उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल शनिवार को दिल्ली में आयोजित होने वाली नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उनको हिस्सा लेना है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के भी शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन वो दोनों मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाएंगे बल्कि वो दोनों अलग से जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात है कि इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि तमाम तनातनी की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी को साइडलाइन किया जाएगा, जब खबरें आ रही हैं कि 27 से पहले योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी एक बार फिर से दिखाई थी। केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक से भी नदारद रहे, जबकि वो सीएम आवास के बगल में स्थित अपने सरकारी आवास पर ही थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की जो तनातनी है उसको भी दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। केशव बैठक में क्यों नहीं पहुंचे इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत भी इससे गर्मा गई है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई की खबरें हो या फिर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लड़ाई की खबरें, सोशल मीडिया पर इनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इन बातों में दम और नजर तब आने लगता है जब एक साथ बैठक होती है मंत्रियों की और उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। हालांकि नीति आयोग की बैठक की बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और ऐसे में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ बात करें योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तो वो लगातार हार की समीक्षा कर रहे हैं। 2027 में बेहतरीन आंकड़ा निकल कर आ सके सीटों का, इसको लेकर मंथन चल रहा है और लोकसभा चुनावों में जो हार मिली है उसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में चूंकि बृहस्पतिवार को एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और इसको लेकर अब तमाम तरह के कयास शुरू हो गए हैं। हालांकि योगी जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे या फिर अमित शाह से मुलाकात करेंगे या फिर उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी तो कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी, क्या कुछ इन दिग्गजों के बीच में बात होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी इन सबके बीच आपको ये भी बता दें कि ये बैठक कई मायनों में खास होने वाली है और इसका सीधा सीधा असर 2027 के साथ साथ 2029 के चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार उन नेताओं से मुलाकात कर रही हैं जो योगी के अगेंस्ट में चल रहे हैं और ऐसे में यूपी के सियासी पारे में दिन पर दिन बढ़त चढ़त देखी जा रही है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।